टूट गया, टूट कैसे गया? ऐसे स्टार्ट किया पटाने में यार, ऐसे खींच रहा है मामूली सारा, सूझ गया पकड़ रहा था, चल जा रहा है तेरा भी क्या लगा पूछ लूं मैं, इसको खींच गया घोड़े की तरह तो गाइस ये होता है कुछ पहाड़ के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्यों क्या हो गया FXR का FX फाड़ हो गया यहाँ पे। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद माय इंजन कीज में आपको दोस्तों शायद तो गाइस जान फूक के हालात देख के आपको लग ही रहा होगा, काफी सुबह उठ रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत भी काफी सुबह हो गई, तो अभी बज रहे 5:30। तो क्या सीन हो गया, हम आपको जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि मीडिया टीम मेरे साथ है, तो उस वजह से अब निकल रहा हूँ मैं, उनको पहले पिकअप करना है फिर हमने निकलना ऊपर रोहतांग टॉप के ऊपर, रोहतांग टॉप पे तो वो लोग को उतारना है जगह जगह पे, तो चलते हैं फटाफट, इससे पहले लेट हो जाए क्योंकि 7-8 बजे तो स्टेज स्टार्ट है, तो अगर उतने बजे स्टेज स्टार्ट है तो पहले निकलना पड़ेगा, तो चलते सुबह देख सकते हो अंधेरा ये भी, एक काली रात थी तो एक गाड़ी को दे दिया कोल्ड स्टार्ट। आगे दे वाला तो गाइस उनको लेने तो आ गया, अभी आए नहीं बाहर को, तो वेट करते थे देर में जाते रंग को, तो अब देखते हैं, जुकाम भी लग गया कल रात, कल बड़ा भाई ठंडा गर्म हो गया तो रात को मोटी तबीयत खराब हो गई थी, तो अब देखते हैं कल का क्या होता है, कल है गम्फू वाला स्टेज, तो कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे देखते हैं, तबीयत खराब हुई तब तो कैंसिल कर देना मैंने अपना, बहुत तबीयत खराब हो गई, कहाँ रह गया यार। यहाँ से स्टार्ट है रेस ना, आधा एक घंटा लग जाएगा इनको आराम से, आधा एक घंटा आराम से, क्योंकि अभी तो फ्लैग ही लगा रहे थे, बंदे भी यहीं खड़े ऑफिशियल यहाँ खड़े हुए, चक्कर था, हमने जाना था ऊपर टॉप तक, बट मैंने कल किसी को बताया था कि भाई लॉल साइड से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इस तरफ से क्या सीन हो गया, यहाँ से DZ है, DZ मीन्स डेंजर जोन, तो यहाँ पे स्लो चलती है गाड़ियाँ बाइक, और 7:10 पे पहली गाड़ी छोड़ रहे तो अब हम आगे जाने से मना कर दिया, तो अब यहीं पर बैठेंगे वेट करेंगे और यहीं से शॉट लेंगे स्लो स्लो ना भगा सकते हैं, इस वाले जोन में बिल्कुल नहीं भगाती गाड़ियाँ, उनको एक लिमिटेड टाइम दिया होता है, उसी टाइम में कवर करना होता, तो कट गए भी कटेगा जी, 8 लोग तो हमारी मीडिया टीम भी बाहर फंस गई, इनको शॉर्ट्स नहीं मिलेंगे अब इस बार सच्ची, चल बारी बैठते हैं, हम तो यहाँ ऊपर बैठ सकते हैं, ऐसे बढ़िया बाहर बैठेंगे, वहाँ देखो तो जाए हुआ है क्या होगा पानी, ये बाहर एक पाइप लगा हुआ जाए हुआ है मेरे ख्याल से, मे बी नहीं ये रहा इसका डंगे का ना पाइप है, नहीं नहीं वही जाए हुआ है लंबा पाइप लगा ना, अभी यहाँ पे आते देखते हो भाई, बस वो पहाड़ में जब पहुँचेंगे तब थोड़ा सा स्पीड होगा, तो वैसे होता है रिजल्ट यहाँ पे चले आराम से, अब हम लोगों को यहाँ से आगे थ्रू आउट 10 बजे के बाद ही होगा जब सारी बाइकें कंप्लीट हो जाएगी और उन लोगों का नेक्स्ट स्टार्ट होगा खोक्सर से ग्रम्पू से, तो कट गए डीजल बादखो डीजल में, बैठो बैठो चाय पियो पराठा लग आ
आज ये बना रहे थे अपनी अपनी स्ट्रैटजी स्टार्ट है जी स्ट्रैटजी यूज कर रहे हैं कोई सोच रहा है यहाँ पे थोड़ा रुक के फिर खींचूंगा कोई पहले ही स्लो ज़्यादा है माब्रेक धीरे धीरे हौली हौली ओके सो गाइस क्या सीन हुआ गाड़ी का ख़त्म हो गया स्लॉट तो अब बाइक का स्टार्ट होने वाला है 8:22 से तो हमारे को अलाउ कर दिया था ऊपर तक आने के लिए तो अभी कैमरा मैन वगैरह जो भी हमारी कैमरा टीम है वो उस मोड पे रखी हमने वहाँ पे शूट करेंगे और ड्रोन वगैरह उड़ा के और हम लोग बैठे हैं यहाँ मड़ी वाले एरिया में तो यहाँ पर थोड़ा खाना भी खा लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था और यहाँ पर सबकी छुट्टी आज सब मज़े से कर रहे ऐसे गप्पे मारते हैं फिर कौन सा कह रहे बीजी में क्या बोलते हैं इसका लॉटिन जी छुट्टी आज तो क्यों आप सबकी अभी तो रेस वाले आओ रेस बंद हो गए रेस वाले थोड़ी आएंगे अब रेस वाले यहाँ थोड़ी रुकेंगे खाना खाने नहीं नहीं जैसे रेस चल रहा था अभी गाड़ी बंद है आज तो नहीं चलेगा आज नहीं चलेगा आज मुश्किल आज कौन आएगा शाम तक फिर कौन आता शाम को शाम को कौन आएगा हाँ तो बस अभी थोड़ी देर में बाइक अब बाइक वाले आएंगे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे तो अब वेट करते हैं बाइक वालों का सो गाइस दिस इज लाइफ ऐसा पॉइंट मिलने जाना जहाँ फैसिलिटी की हो पूरी तो अब करेंगे ब्रेकफास्ट फिर तब तक बाइक भी आ जाएगी क्योंकि डीजल और एफजेड में बहुत ज़्यादा स्लो आ रहे हैं गाड़ी वाले बाइक वाले सभी मतलब तो खाएंगे हम बम थे उसके बाद बनाएंगे वीडियो तो हमने डिसाइड किया है कि एक यहाँ पे बैठेगा एक आगे मोड़ में बैठेगा ताकि एक हम लोग वीडियो कट करके डाल सकें थोड़ा लंबा जैसा तो बने कम से कम देखते हैं अब शाम को प्लॉट आएगा यार लाइना क्या हो गया इस कुत्ते को क्यों पागल हो गया नहीं पागल नहीं पकड़ लिया दांत मारा है पागल ये हैप्पी बर्थडे ओए यार इसका टायर क्या हो गया टायर ही खराब हो गया उनका ओए कहाँ जा रहा है ये तो नहीं है यही लग रहा है हाँ ये 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 सोमू है सोमू नहीं है ना सुना है
690 वहाँ से मोटा स्लो हो गया। था चा ना वो पूरी वो देख इस बंदे को देखो मोटे डांस ये है देख जिन्नो हाँ ये है ये है की और क्योंकि फर्स्ट जो आपका लैग होता है वो खत्म हो चुका है। अब राइडर्स थे जो सर्विस बैकअप या कुछ भी लेके तो खोक्सर जाएंगे वहाँ पे अपना बाइक का चेकअप कराएंगे रूटीन, उसके बाद गर्मफू से फिर से स्टार्ट होगा रेस गाड़ियों का पहले। और ये बंदों को बिठा देते फटाफट, चलो चलो फटाफट आ जाओ फटाफट, गाड़ी आने वाली है फटाफट आ जाओ। तो थोड़ी देर में वहाँ ऊपर से स्टार्ट होने वाली है रेस गाड़ियों की। यहाँ पानी नहीं डाला ना हमने, रेस है ना भाई। हम लोग पानी लाना भूल गए थे तो यहाँ से बढ़ गए हम लोग, दिख रहा हूँ नेचुरल मिनरल वाटर, इसके बराबर मिनरल कोई पानी नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट गाड़ी लगाए हमने यहाँ साइड में। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं जाऊँगा आगे उस मोड़ के वहाँ जंग जाएगा इस तरफ, तो ये इधर वाला शूट करेगा मैं इधर वाला, ताकि कट करके हम लोग बना सकें। बाकी गर्मी हो गई, अब हो गई गर्मी, सुबह तो भाई इतना ठंडा था कि तबीयत अजीब जैसी हो गई, तो रात को भी इतना बुखार जैसा हो गया था पूरा शरीर पसीने से, दो तीन दिन की मार है सोए नहीं ढंग से। रैली के बाद ही होगा, न्यू कैटेगरी गाइस, न्यू कैटेगरी भाई, गाड़ी आ रही है ऊपर से, सो गाइस गाड़ी वालों का मतलब रेस स्टार्ट हो चुकी है फिर से। और यहाँ से गाड़ी वाले बहुत स्लो जा रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, शायद ये एफजेड उफजेड वाला सीन तो नहीं है कहीं, क्योंकि यहाँ से पहले दो गाड़ियाँ गई और वो पावर वाली गाड़ियाँ थी वो भी बहुत स्लो, देखते हैं क्या होता है। आ दे आ दे, रेस खत्म तो नहीं हो गया कहीं, हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये लोग बहुत मज़े से जा रहे हैं और इतने एक साथ कैसे आ रहे हैं गाड़ी वाले, ये समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं बात, तो गाइस यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि सीन क्या हो रहा है, क्योंकि गाड़ी वाले चले बिल्कुल कंटिन्यूटी में बिल्कुल आसपास, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। अब यहाँ पे हम भाई लोग भी खजल हो गए कि भाई अगर रेस, अब मुझको ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद गर्मफू टू रोहतांग टॉप तक था रेस आज का सेकेंड जो लेग था ना, अगर ऐसा हुआ तब तो ऐसा हुआ तब तो फिर रेस ख़त्म हो गया, तब हमारा मोए मोए हो गया, पता नहीं अब क्या, चेक करते हैं यार। हेलमेट तो लगाया नहीं है, अब मेरे को वही लग रहा है कि पहला स्टेज था कोठी से रोहतांग टॉप, सेकंड स्टेज है गर्मफू से रोहतांग टॉप, तब हो जाएगा खोती यार, मूड भी खराब हो जाएगा। देखते हैं वेट करते हैं बाइक वालों का, ऐसे ही शॉट ले लेंगे, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेरे ख्याल से मोए मोए। तो भाई यहाँ पे हो चुका है बहुत ही बड़ा धोखा, रेस थी टॉप तक ही और हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, तो अभी एक शुभम भाई मिले थे वो भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे, तो उन्होंने
गाड़ी रोक के बताया कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, ऊपर जाना तो चले जाओ बट चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि ऊपर से जो गाड़ी आ रही है वो किसी भी साइड से आ रही है, कहीं बेल्ली कोई सीन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो सुबह भी डोज जैसा पड़ा है कि तुम लोग इस तरफ से कहाँ आ रहे हो, अगर लॉल साइड से आते तो ज़्यादा बेटर रहना था। तभी बोलते हैं करो अपनी मन की, देखते हैं अब क्या होता है इनको। चलो शुक्र है वो तो ये सीन हो गया कि बाद में हमारे को डी जेड से आगे जाने दे दिया था, तब थोड़ा पूरा बाइक का वीडियो बन गया। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गाइस हमने बोला सेकंड स्टेज तो दिखा नहीं, भाई यही दिखा लेते हैं कि जाने का तो वापस आएगा। अब ये इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट टाइम भी दिया होता है कि भाई इतने टाइम में आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है। वो देख रहे हो रफ्तार का जुनून, इनको बोलता है ये वाह यार दीदी यार। देख रहे हैं सारे एक ग्रुप वाले, कैसा था? मजा है। बाकी बंदे? बाकी आ रहे हैं। आ रहे हैं सही था ना? चलो सही है। किसी का क्रैश तो आ रहे, हमें लगा कि लास्ट लेग होगा ना जो वो नीचे कोठी तक है, हम लोग यहाँ बैठ गए। बाद में जब गाड़ी आए तब उन्होंने बोला, एक दोस्त था उन्होंने बोला कि भाई वहाँ था ऊपर, वहाँ हो गया सारा सीन। वही तो वो चक्कर हो गया, हम लोग वहाँ आना था नहीं तो। चलो कहीं जाओ जाओ अपना रिम दिया था इन्होंने हमें। क्या हो गया भाई, टूट गया? कैसे कंप्लीट किया पता नहीं, टूट कैसे गया? ऐसे पर स्टार्ट किया पर बाइक फ्री में नीचे नीचे भी गेट स्टार्ट रहे वहां फिर डडी भाई, तो कैसा था आपका आज का राइड? सब कुछ सही था बट एंड में मैं बुरा था। तो गाइस ये होता है कुछ पहाड़ी के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्यों यहाँ हो गया FXR का FX फाड़ हो गया यहाँ पे
ठीक है पर फिर भी टॉप पे चले भाई। ठीक है मिलते बाद में। तो गाइस अभी आपको दिखाया, आपने देखा जैसे कि एक्सीलेटर वायर टूट गया था भाई का, तो अभी रैंकिंग तो आई नहीं है फर्स्ट डे का रिजल्ट, तो उसके बाद देखेंगे। बाकी अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं, दूसरा एक्सीलेटर लगा रहे हैं एमटी का, जो क्विक थ्रॉटल थोड़ा सा कम है कंपेरेटिव टू अदर वन, देखते हैं अब लगाते हैं। कपलिंग बचा तो था एक स्टॉक में, वो सारे वो है ना यूज्ड है वो। इसके वहाँ जाओ क्या बोलते हैं अपना भाई, मेरा वाला तो ठीक था, अगर लगा साइड में तो लगा था, हो गया यही कहीं तो लगा था, उसके वहाँ नहीं मिलेगा पर में लगा था आलू उसके वहाँ आ रहा, क्या बोलते हैं वो मोटर के सामने वाला, वो पूछना पड़ेगा उसको है ना। शर्मा से मंगाना था ना, शर्मा के वहाँ मिल जाना।